और आप देख रहे हो पंजाबी बॉक्स ऑफिस। और आज हम बात करेंगे छल्ला मोड़ के नहीं है इसका टोटल लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। वीक ब्रेकडाउन भी करेंगे, इंडिया ब्रेकडाउन भी करेंगे और ओवरसीज का ब्रेकडाउन कलेक्शन भी करेंगे। उससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर और लाइक जरूर कर दें, क्योंकि ऐसे ही हम मूवी के पंजाबी मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और उनका फाइनल कलेक्शन की अपडेट देते रहेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं एक हमारा वीडियो। इस मूवी के लीड रोल में थे अमरिंदर गिल, इसको पॉजिटिव रिव्यूज ही मिले थे, लेकिन फिर भी इसका जो इंडिया कलेक्शन था वो कम था और ओवरसीज कलेक्शन अराउंड 3 times ज़्यादा था। मतलब ओवरसीज बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी ये अमरिंदर गिल के कैरियर में। तो बात करते हैं इसके ओवरसीज और इंडिया कलेक्शन की। तो पहले बात करते हैं इंडिया कलेक्शन की। इसका फर्स्ट वीक कलेक्शन था 5.15 crore का नेट कलेक्शन। सेकेंड वीक काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप आ गया था, सेकेंड वीक कलेक्शन था 2.99 crore का। उसके बाद नेक्स्ट जो 5 हफ्ते मूवी सिनेमाज में चली है उसका टोटल कलेक्शन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। थर्ड वीक में कलेक्शन रहा 1 crore का, फोर्थ वीक में रहा 0.90 crore का, फिफ्थ वीक में रहा 0.80 crore का, सिक्स्थ वीक में रहा 0.60 crore का, सेवन्थ वीक में रहा 0.42 crore का। जिसके बाद मूवी अराउंड एंड कर चुकी थी और इसका टोटल इंडिया नेट कलेक्शन अभी तक का 11.86 crore का, जिसका इंडिया ग्रोस कलेक्शन है 13.76 crore का। बात करें ओवरसीज़ की, तो ओवरसीज़ कलेक्शन इस मूवी का बहुत ही ज़्यादा है। मूवी ओवरसीज़ में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। ओवरसीज़ कलेक्शन है 25.71 crore का। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं मूवी ओवरसीज़ में कितनी बड़ी हिट हुई है। इसका टोटल वर्ल्ड कलेक्शन बना 39.47 crore। मूवी 40 crore से सिर्फ थोड़ा सा ही पीछे रह गई। मूवी 40 crore कलम में एंटर हो सकती थी अगर इंडिया कलेक्शन थोड़ा सा और बेटर होता। तो मूवी का बजट था 8 crore और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। तो आपकी क्या राय है इस मूवी के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए मूवी के बॉक्स ऑफिस के साथ।